कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं। और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, चांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया। और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल वापिस आया हूँ। सर कुछ दिन आराम करेंगे या फिर अभी काम में? डॉक्टरों ने अभी 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को बांटना है, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में काम नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो 1 घंटा रेस्ट करना है। और खाने पर ध्यान देने की बात की कि खाना आपने खाना है, टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और उसके हिसाब से फिर कहते हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, रूटीन से आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। नहीं, मिलना भी रहेगा, ऐसा नहीं है, पब्लिक लाइफ में है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मिलना कम रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि जितना शरीर का क्षमता है उसके हिसाब से ही कार्य करना है और खाना खाना है बस। टाइम का उन्होंने मेन मकसद है खाना खाना है, तो उस दृष्टि से उन्होंने राय दी है। सर दीपावली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेशवासियों? दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नई राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। नहीं, अभी मैं प्रचार के संबंध में ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा उन्होंने आराम करने की बात की है, तो प्रचार के संबंध में मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। देखिए 5 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और जनता जान चुकी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी, गरीब आदमी और सब लोगों को साथ लेकर चल सकती है, सब समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती है। तो जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, जो हमारी सरकार तकरीबन 4 जगह बनना निश्चित है। सर डीजीपी के शिकायत आई है, खिलाफ एक शिकायत आई है, उस पे हाई कोर्ट ने फोटो लिया है, क्या किस तरह की? देखिए डीजीपी के खिलाफ कोई शिकायत आई है और शिकायत को पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद FIR दर्ज होती है। ऐसा कि कल को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए या किसी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ शिकायत आ जाए, पहले तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हाईकोर्ट ने भी सुमोटो लिया है तो हम उसमें भी ये रिप्लाई फाइल करेंगे कि एक्चुअल में है क्या वास्तविकता, पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बाद करेंगे। ऐसे तो कल कोर्ट के कोई भी शिकायत कर दे, हर किसी के खिलाफ शिकायत कर दे, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? तो शिकायत का तथ्य पता होना चाहिए। कल को किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत करता तो पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद FIR दर्ज होती है। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार उसमें ध्यान रखेगी और जो अगर फैक्ट्स होंगे तब आगे कार्रवाई होगी। अगर फैक्ट कानून के मुताबिक ही होता है, पहले